अजीब आदमी नहीं हूँ, बता रहा हूँ मैं कहाँ पे है, पोस्टिंग कहाँ पे है। पोस्टिंग मेरी रिंगालपानी है, अब बताओ। हाँ ठीक है, सिलोगी साइड। हाँ तो सिलोगी है ना, रिंगालपानी है क्या? रिंगालपानी सिलोगी में। हाँ और मेरी लोकेशन कहाँ पे है अभी? क्या मेरी लोकेशन कहाँ पे है अभी? हरिद्वार। हाँ मुझे कि मैं ऐसा ही नहीं बताना कहाँ पे है। तमीज से बोल पहले, अरे तमीज से क्यों बोलो, किसे समझ गया? तो ठीक है, तो जाने किसे किसे बात कर रही है, तू किससे बात कर रहा है ये बता। अरे तुम से बात कर रही हो, पुलिस वाले से बात कर रही हो। अरे पुलिस वाले से बात कर रही हो, अरे पुलिस वाले से बात कर रही हो। अरे पुलिस वाले से बात कर रही तू, तो मैं भी पुलिस वाली आरएसआई हूँ याद रख। क्या है तू, आरएसआई क्या होता है? आरएसआई क्या होता है? पटवारी जानते है? पटवारी क्या होता है? ठीक है जानते है तो पटवारी क्या होता है? एसपी को फोन करूँ? करूँ फोन? जानते नहीं पटवारी क्या होता है? पढ़ा नहीं क्या? गाली दे रहा मुझे, लगा तुझने केस है? दिन में फोन कर करके बड़ा मैडम मैडम करके बोल रहा था, इस समय गाली दे रहे हैं? यह हाल है तुम्हारे पी के, तुम्हें पता नहीं रहता कि क्या बात कर रहे हो, अब किससे कैसे बात करो? मैंने गाली दी तुझे, ये बता। औकात तेरी मैं गिनाऊं? रिकॉर्ड है पूरा मेरे पास, अब भी तेरे एसपी को करती मैं फोन, करूं है पीके दूध और रखा। शाम की ड्यूटी थी ना तेरी, रिकॉर्ड और रखा है, अपने तहसीलदार मैडम को भी देती हूँ अभी ये रिकॉर्ड, ठीक है ना? है मेरे किसी भी चीज में इंटरफेयर कर रहा था, आप देख निकाल दू तेरा मैं अच्छी तरह। अरे कोई भी तूफ तो ना है, पाप नहीं कराया तो क्यों करी मेरे कॉल कर रहे? क्या ली तो क्या जी मारे माँ की, मुझे दिखाइएगा औकात, तेरी औकात दिखा दूँ मैं, कितनी औकात तेरी, और क्या कर सकती हूँ मैं बता, कहाँ पे हूँ पोस्टिंग बता, ता बता, अरे बता कहाँ चलेगी जी। एक मामला कल संज्ञान में आया, कल शाम को एक महिला राजस्व निरीक्षक हैं सुमन रावत जाखनीखाल तहसील में, उनके द्वारा और तहसील जाखनीखाल के अन्य कर्मियों द्वारा, राजस्व कर्मियों द्वारा ये बताया गया कि एक उत्तराखंड पुलिस में कोई दरोगा है हरिद्वार में तैनात आशीष भट्ट, इनके द्वारा सुमन रावत महिला राजस्व निरीक्षक के साथ फोन पर बदसलूकी बदतमीजी और गाली गलौज किया गया है, और ऐसी गालियाँ सुमन रावत को दी गई हैं कि उनको हम सार्वजनिक मंच पर कह नहीं सकते। ये बड़ा ही गंभीर मामला है, हमने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से पत्राचार किया है, और संबंधित जिला हरिद्वार के एसएसपी महोदय, डीजीपी महोदय को भी और एसएसपी पौड़ी महोदय को भी हमने इसमें पत्राचार कर दिया है, और इस पर हम तत्काल कार्रवाई चाहते हैं। इस पर तत्काल कार्रवाई का कारण ये भी है कि यह इसके द्वारा महिला राजस्व उप निरीक्षक पर एक मामला, महिला राजस्व उप निरीक्षक उसकी विवेचना कर रही है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद सिलसवाल अभियुक्त है, और राजेंद्र प्रसाद सिलसवाल इस कथित एसआई के ससुर हैं, तो इसके द्वारा यह दबाव बनाया जा रहा था कि आप उस मामले में फाइनल लगाइए ना कि चार्जशीट दीजिए। सोचिए आपकी कितना गंभीर मामला है कि जिस मामले में चार्जशीट जानी है उसमें ये दरोगा अपने रसूख का इस्तेमाल करके महिला राजस्व उप निरीक्षक को धमका रहा है कि आप इसमें चार्जशीट न लगा करके आप इसमें फाइनल रिपोर्ट दीजिए। इस दरोगा को इसने जितनी भी विवेचनाएं स्वयं भी की होगी, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में ये भी जांच अधिकारी होगा, इसका मतलब ये है कि ये वहां भी इसी तरह का कार्यकर्ता होगा और अपराधियों को बचा रहा होगा और निर्दोष लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहा होगा, तो इसकी तत्काल बर्खास्तगी होनी चाहिए, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की हम मांग करते हैं। पूरा राजस्व उप निरीक्षक संघ इसके लिए लामबद्ध है, इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं। धन्यवाद। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।